जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पूरा क्षेत्र राजनीतिक दलों के झंडों एवं बैनरों से सराबोर होता जा रहा है। पर अभी तक नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा एवं आम आदमी पार्टी का ही झंडा देखने को मिल रहा है। प्रत्याशी घोषित होने के बावजूद भी क्षेत्र में कांग्रेस एवं बसपा का न तो कहीं झंडा है, न पोस्टर है और न ही कोई गतिविधियाँ है। चुनाव आयोग द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर डिजिटल चुनाव प्रचार पर जोर दिए जाने के बाद अब तक भाजपा ने ही नगर समेत पूरे क्षेत्रों में झंडों एवं पोस्टरों को लगाया है। पर सोमवार से पूरे दमखम के साथ आम आदमी पार्टी भी पूरे नगर में झंडे बांट दे रही है, जिसके बाद अब साफ हो चुकी है स्थिति कि आम आदमी भी विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से उतर चुकी है। पूरे दमखम के साथ चुनावी समर में आम आदमी पार्टी है। इधर पूरे क्षेत्र में कहीं कहीं पर कांग्रेस का झंडा देखने को मिल रहा है और बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बावजूद भी नगर क्षेत्र में कहीं पर भी ना तो झंडा दिखा, ना ही बैनर और ना ही प्रचार प्रसार के पोस्टर। अब देखना ये है कि भाजपा एवं आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस एवं बसपा किस तरह से करवटें लेती है। और बात करें चुनाव प्रचार की, तो भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से चुनाव प्रचार के मामले में बहुत आगे निकल चुकी है। भाजपा विधायक सौरव बहुगुणा लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रचार प्रसार के मामले में बढ़त बनाए हुए हैं। सुतारगंज में कांग्रेस के नेताओं की बगावत से भाजपा दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है।